डॉक्टर संजय सिंह, मूल विषय जो बार बार घूम के आता है उसी पर भाई दो मिनट हमको समझाओ सारे देश को। ये लोग आप पर मुख्य आक्षेप लगता है कि तिरंगा आपने अपने रेशम बाग वाले मुख्यालय में नहीं लगाया, कोई 50 वर्ष बताता, कोई 52 वर्ष, को जो भी ठीक। और वो कह रहे हैं कि भाई तिरंगा के साथ की फोटो लाओ, हालांकि मैं व्यक्ति छोटे मानता हूं, तिरंगा बड़ा मानता हूं, लेकिन ठीक है कांग्रेस का आग्रह है, वो मानती है कि नहीं व्यक्ति भी उतने बड़े हैं जितना बड़ा तिरंगा है, तो वो कह रहे फोटो दिखाओ। इस पर बता दीजिए, वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए भाई। जी अमिताभ जी, बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे थोड़ा सा दो बिंदुओं में उत्तर देने दीजिएगा। जी क्रमांक एक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान के तिरंगे को सिर्फ मानता ही नहीं है, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को संघ की हर शाखा पे भारत माता का पूजन होता है, तिरंगा झंडा लगा के होता है, मैं आपको हजारों उसके वीडियोस और फोटोज दे सकता हूं। दूसरा, यह भी आप कृपया स्मरण रखिए कि आमतौर पर बाकी के दिनों पर कांग्रेस के मुख्यालय पर उनका पंजा वाला झंडा लगा हुआ रहता है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर वह साइकिल वाला लाल झंडा लगा हुआ रहता है, तो क्या वो भी देशद्रोही हो गए? आमतौर पर जो आपका आपका एक झंडा है संगठन का, वह आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, एक और उत्तर देता हूं, देखिए यह भी ध्यान में रखिए कि यह कांग्रेस अंग्रेज अधिकारी एलन ह्यूम ने जिसे स्थापन किया, वह बताने का प्रयास करती है कि इस राष्ट्र की निर्मिति 1947 में हुई। हम बताना चाहते हैं कि यह एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर नाम की एक चीज थी, और उसके पहले भी यह राष्ट्र हजारों नहीं लाखों सालों से जीवंत है, जिसका रक्षण श्री राम ने किया है, श्री कृष्ण ने किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है, महाराणा प्रताप सिंह जी ने किया है, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है। तो हजारों लाखों सालों से इस राष्ट्र का झंडा अगर भगवा था तो उसे भी हम मानते हैं, तो उसमें गलत क्या है? आपको यह क्यों बताना है कि अंग्रेज अधिकारी एलन ह्यूम ने जो आपके कान में बताया है वही आप मानेंगे? संघ का कार्य 100% हिंदुस्तान की सभी संवैधानिक संस्थाओं को मानकर चलता है, लेकिन हमारा उद्दिष्ट भी स्पष्ट है, हम फिर से एक बार इस राष्ट्र की पुनर्निर्मिति हिंदू राष्ट्र के तौर पर करना चाहते हैं। आज हम संविधान की सारी चीजें, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, हर चीज को मानते हैं, और हर 15 अगस्त 26 जनवरी को सभी कार्यालयों पर, सभी शाखाओं पर भारत माता का पूजन करते हैं। समस्या यह है अमिताभ जी कि क्या आपको पता है कि एक तरफ से इनको एक अपना खुद का राजघराना पता है, सोनिया गांधी का 10 जनपद आज भी पंतप्रधान के घर से बड़ा है जिसका वो भाड़ा नहीं भरते, उनके पुत्र के लिए एक अलग घर लगता है, पीएम फंड का सारा कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम पर लिखा जाता है, इन्होंने 70 साल तक इस देश को लूटा है और उसकी हिसाब आज न्यायालय की न्यायाधीश मांग रहे हैं। तो आप भारतीय जनता पक्ष के साथ पॉलिटिकल डिबेट की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैदान में लाना चाहते हैं, तो कृपया ध्यान में रखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस राष्ट्र नहीं देश में हर हिंदू के साथ में शाखा लगाकर एक ओपन यूनिवर्सिटी का काम करता है, जहां पर राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करते हैं। संघ का आप तो अंग्रेजों के इसका कोई आधार आपके पास नहीं है संजय जी, बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि ये प्रलाप करना कि हर चीज सोनिया गांधी राहुल गांधी पे थोप देना, 8 साल से आपके बनाए हुए स्वयं सेवक की सरकार सो रही है। आरएसएस सिर्फ एक ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप भी आकर राष्ट्रभक्ति के संस्कार ले सकते हैं, आपके राष्ट्रभक्ति की ठेकेदारी अपने कहने से तय नहीं होती है, वो तो देश की जनता तय करती है कि कौन ठेकेदार है। हमारे पास तो है, आपके कहने से आरएसएस की देशभक्ति की ठेकेदारी तय नहीं हो रही संजय जी, आपको एक बार पूछना पड़ेगा कि 52 साल तक क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगा लहराया गया? और अंग्रेजों के संस्कार छोड़िए,
और इस राष्ट्रभक्ति के संस्कार सीखने के लिए संघ की शाखा पर आई है, आप सबका स्वागत है। संघ ऐसे अच्छा, आप सोनिया जी और राहुल जी को और प्रियंका जी को संघ की शाखा में आमंत्रण दे रहे हैं संजय सिंह जी? हम तो हर किसी को निमंत्रण देते हैं। अच्छा जो भाई देखो एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट, हमारे मित्र हैं संजीव कौशिक जी, बुरा मान जाएंगे, केजरीवाल जी को भी जोड़ो इसमें, न्योता में काई की कंजूसी। अभी भी सवाल का जवाब नहीं आया अमिताभ जी, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। मैंने अमिताभ जी, मैंने पहली बार ऐसा आदमी देखा है जो बच्चों की कसम खा के बोलता था मैं तो राजनीति में नहीं आऊंगा जी, मैं तो साहब जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि आपने कुछ नहीं फहराया 52 सालों तक, उस बारे में जवाब दीजिए। आप उसी समय से गोल गोल चाशनी बना रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप गोल गोल चाशनी बना रहे हैं, जवाब दीजिए। सवाल जो है वो अपनी जगह पे अभी भी खड़ा है, आप उस मूल सवाल का जवाब दीजिए कि क्यों नहीं फहराया आपने 50 साल 52 साल तक तिरंगा, का जवाब दीजिए। आरएसएस हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर शाखा पर तिरंगा लगाता है। आपसे पहले क्यों नहीं फहराया आपने 50 सालों तक 52 सालों तक फहराया, उस पर आप ये आरोप किए हैं आपके ऊपर। आपके आपके कार्यालय पे झाड़ू वाला झंडा होता है कि नहीं? हमारे कार्यालय पर हमारा भगवा होता है। अरे जवाब तो दीजिए, आप समझ नहीं रहे हो, आप भागिए पूरा हिंदुस्तान है, आप गौर से सुन रहे हैं, आप पर तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, जवाब आपको देना चाहिए ताकि राष्ट्र को एक मैसेज जाए कि आप क्यों, आपको क्यों नहीं 50 साल ये जवाब देना चाहिए। आप लो बातें तो कर रहे हैं कि आप फहराते हैं मनाते हैं, क्यों नहीं मनाएंगे? आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो निश्चित तौर पर मनाएंगे, 15 अगस्त और 26 जनवरी भी मनाएंगे, लेकिन जो जवाब चाहिए वो जवाब आप दे पा रहे हैं। झंडे का सम्मान करता है और 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लगाता भी है, बाकी के दिन जैसे आपके पार्टी के मुख्यालय पर आपका झंडा लगता है झाड़ू वाला, वैसे बाकी के दिन हमारा भगवा होता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर इतना बड़ा हमला किया है और आप जवाब ठीक ठीक है। दोनों लोग रुकिए, डॉक्टर संजय सिंह एंड संजीव कौशिक जी दोनों लोग रुकिए। अंशुमन द्विवेदी साहब, लोकतंत्र में जनता किस विचार को से सहमत है इसका प्रकटीकरण का एक ही रास्ता है, जनादेश। जनादेश बताता है कि जनता किसकी बात से सहमत है, किसके विचारधारा से सहमत है, किसके क्रियाकलाप से या चरित्र से सहमत है, ठीक ना? क्या पिछले कुछ वर्षों के जो जनादेश आए हैं देश में वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्या देश ने ये माना कि संघ देशद्रोही है? एक, क्या देश ने यह माना कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि देश तो मूर्ख नहीं हो सकता, कुछ नेता मूर्ख हो सकते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता कुछ मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि 150 करोड़ की सामूहिक प्रतिभा और मेधा भारत की वो अनाड़ियों की जैसी स्थिति तो नहीं हो सकती। अंशुमन जी, मानना तो उसी को पड़ेगा, हम चाहें तो भी, हम नहीं चाहें तो भी। अगर 14 साल 15 साल इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही तो संघ के लोगों को अच्छा नहीं लगता था तब भी नहीं। मैं आपकी बात से सहमत होते हुए एक बात और उसमें जोड़ना चाहूंगा, यदि आप अन्यथा ना लें। पंडित दीनदयाल जी का मानना था कि सत्ता सत्य की होनी चाहिए जी। अभी जन्म संग्रह कश्मीर की वैली में करा लिया जाए तो वहां 98% मुसलमान है, तो 98% में से बहुत सारा प्रतिशत 60-70% कह देगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, तो क्या हम मान लेंगे हिस्सा नहीं? सत्य यह है कि कश्मीर का हिस्सा है और एक व्यक्ति भी सत्य की तरफ हो तो मेजॉरिटी को हम सत्य का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है इसमें लोकप्रियता की पहचान तो इलेक्शन से ही होती है, लगातार होने वाले इलेक्शंस में लगातार मिलने वाली सफलता बीजेपी के लोक स्वीकारोक्त को तो अंडरलाइन करती ही है। अब एक बात और हम करना चाहते हैं, एक बात तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोग टीवी भी देखते हैं और ये लोग जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो हल्की बात करके अपनी वो बात कह ही नहीं पाते हैं और हम लोग वो सुन भी नहीं पाते हैं कि उनकी पार्टी की थिंक लाइन या उनकी आइडियोलॉजी क्या है। जैसे अभी कौशल कांत जी ने कहा पप्पू पांडे, क्या जरूरत थी कहने की? भाई बात होने देते,
आप उनको राहुल भी कह सकते थे, पप्पू बांदे कहने की क्या जरूरत थी, और उसको सुन करके कांग्रेस के प्रवक्ता जो अगर स्टेटमेंट देते आए हैं उस तरह के, इन्होंने फिर कहना चालू किया, ऐसे कहना चालू किया जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ओछी और छोटी बात करते ही नहीं। आपस में जो कंपटीशन चल गया है छोटी और ओछी बातें करने का, ये ध्यान रखिए कि ये बहुत मेहनत भी इलेक्शन में करनी पड़ती है। बीजेपी बार बार जीतती है, लेकिन ये ध्यान रखने ओछी और छोटी बातों से वोट कटता भी है। मैं एक वोटर की हैसियत से और अपने परिवार में बच्चों के साथ और अपने मित्रों के साथ बैठ करके जब डिबेट सुनते हैं तो खराब लगता। अब मैं एक बात भगवा पर करना चाहता हूँ कि जो बात संजय जी ने कही वो अक्षरशः सच है कि तिरंगा हमारी राजनैतिक स्वाधीनता का स्वतंत्रता का प्रतीक है और उसके फ्लैग कोड में ही लिखा हुआ है। उन बातों का अनादर संघ कभी नहीं करता, कभी मैंने नहीं देखा। ऐसा नहीं होता कि उनका भगवा जो है ऊंचे लहरा दिया जाए और तिरंगा बगल में छोटा करके लहरा दिया जाए। तो ये साबित आप नहीं कर सकते हैं कि संघ तिरंगे का सम्मान नहीं करता। वैदिक काल में तो जो लोग युद्ध करने जाते थे तो उसमें कुल अफहद परिवार का एक मुखिया जाता था और ग्रामीणों के झंडे के नीचे युद्ध करते थे, वो पूरे कबीले के झंडे के नीचे भी युद्ध नहीं करते। उसके बाद एक लंबी परंपरा है और ये ध्यान रखा जाए कि भारतीय जो राष्ट्र है वो जियो कल्चरल है, भू सांस्कृतिक अवधारणा है, जियो पोलिटिकल नहीं जी। और ये जो जियो कल्चरल कॉन्सेप्ट है ये भारत की संस्कृति को राजनैतिक स्वातंत्र से कम नहीं समझता। ठीक। और भारत अनेक बार हजारों राष्ट्रों में राज्यों में बट करके भी राष्ट्र एक रहा, तो उसकी वजह है कि हम भारत की संस्कृति की पहचान ठीक है, राजनैतिक पहचान से छोटा नहीं। ठीक ठीक ठीक